Hi and welcome back friends, this is Waseem और आज के English speaking practice में जो मैंने आपके लिए lesson बनाया है और आपको समझाना चाहता हूँ वो हमारा क्या है friends, वो है AIN. क्या है AIN? अच्छा AIN जो है ज्यादातर आपने देखा होगा कि English songs या movies वगैरह में इस्तेमाल होता है और slang कहलाता है. slang यानी ये है कि आप इसको written English में इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप इसको ईमेल्स लेटर्स वगैरह में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन ये के बोलने में अगर आप बात करते हैं तो इसको बोल सकते हैं. वही बात है कि इसको समझना जरूरी है. अमूमन ऐसा होता है कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसमें ये AIN आ रहा है तो AIN के AIN इन इंग्लिश स्पीकिंग यानी इंग्लिश स्पीकिंग में AIN क्या वर्क करता है कि जब आप पांच चीजों को शॉर्ट कर देते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है इनफॉर्मल बनाते हैं तो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को ये जाहिर करता है और जहां जहां पर आप इज नॉट एम नॉट आर नॉट हैज नॉट हैव नॉट उन पांचों की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्रेंड इस चीज को जहन में रखें कि ये इनफॉर्मल होता है क्योंकि अब सामने वाला ये समझेगा कि आपके पास शायद ज्यादा वोकैबुलरी नहीं है ज्यादा वर्ड्स नहीं है इसलिए आप जो है पांच वर्ड के बजाय एक वर्ड से काम चला रहे हैं लेकिन असल में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है. तो आप इसको जहन में रखिएगा. देखें आपके हेल्पिंग वर्ड जो है इज नॉट एम नॉट आर नॉट हैज नॉट हैव नॉट इन पांचों को अगर आप इक्वल करते हैं तो आप इनकी जगह जो है क्या यूज कर सकते हैं AIN. तो AIN वर्ड जो है वो प्रॉब्लम करता है जैसे कोई अगर बात कर रहा है स्लैंग बात कर रहा है तो अमूमन ऐसा होता है कि स्टूडेंट वही कहते हैं सर वो हमें समझ नहीं आया कि क्या कह रहे थे किस तरह कह रहे थे. तो आप एक लेसन बनाए हूं कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे. तो फ्रेंड्स आ जाएं लेसन की जानिब. अब देखें कि आई एम नॉट टायर्ड सेंस क्या है. फॉर्मल सेंस हमारा जो होता है वो होता है कि आई एम नॉट टायर्ड. तो देखें एम नॉट की जगह क्या यूज किया है कि आई AIN टायर्ड मैं थका हुआ नहीं हूं. यू आर नॉट हैप्पी आप खुश नहीं हैं. तो इसका देखें फ्रेंड्स क्या बना आर नॉट की जगह मैंने क्या कर दिया AIN. यू AIN हैप्पी आप खुश नहीं हैं. नेक्स्ट सेंटेंस आ जाए फ्रेंड्स दे आर नॉट स्लैकर दे आर नॉट स्लैकर वो लोग कामचोर नहीं हैं. तो देखें फ्रेंड्स आर नॉट की जगह क्या यूज किया है दे AIN स्लैकर वो लोग कामचोर नहीं है. नेक्स्ट आ जाए ही इज नॉट अ स्टूडेंट तो इज नॉट की जगह क्या कर दिया AIN. ही AIN अ स्टूडेंट वो एक स्टूडेंट नहीं है. वी आर नॉट स्टबर्न हम लोग जिद्दी नहीं है तो आर नॉट की जगह फ्रेंड्स देखें क्या किया है AIN. वी AIN स्टबर्न के हम लोग जिद्दी नहीं है. शी इज नॉट अ डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं है तो इज नॉट की जगह क्या कर दिया शी AIN आ डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं है. नेक्स्ट आ जाए दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन वो लोग टीवी नहीं देख रहे हैं. दे AIN तो आर नॉट की जगह क्या हो गया फ्रेंड्स AIN. दे AIN वॉचिंग टेलीविजन और टीवी. अच्छा नेक्स्ट आ जाए यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं. नहीं आप लोग सीख रहे हैं सेंटेंस है. यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश जैसे आप किसी को कहते हैं यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश तो उसका AIN के साथ कैसे बनाएंगे कि आर नॉट की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं AIN जो कि इनफॉर्मल होगा. यू AIN लर्निंग इंग्लिश आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हो. नेक्स्ट आते हैं जॉन हैज नॉट ईटन फूड येट जॉन ने अब तक खाना नहीं खाया है तो हैज नॉट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका थर्ड पर्सन के साथ हैज नॉट आया तो हैज नॉट की जगह मैंने क्या ले लिया अब ना समझ में आने वाली बात है कि ये कैसे हो सकता है. तो यही इंग्लिश स्लैंग्स कहलाते हैं राइट कॉन्ट्रैक्शन है स्लैंग्स में. तो जॉन AIN ईटन फूड येट अब जॉन AIN ईटन फूड येट जॉन ने अब तक खाना नहीं खाया. नेक्स्ट देखें ही हैज नॉट डन हिज वर्क उसने अपना काम नहीं किया है तो हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हमने क्या लिया AIN. He ain't done his work. उसने अपना काम नहीं किया है.
यू हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, आपने इंग्लिश नहीं सीखी है, तो हैव नॉट का फ्रेंड क्या ले लिया हमने, एंड, यानी यू एंड लर्नड इंग्लिश। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा, आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।